लिए हमने भेज दिया। ठीक है, कैसा है ये पनीर? ये जो बताया जा रहा है मिलावटी पनीर है, ये स्प्रे ड्राइड, ये स्किम पाउडर है, क्या बोलते हैं इसको, एसडीएस पाउडर, उसे मिला के रिफाइंड के साथ बना रहे हैं। घी भी सब ऐसा ही है, मिल्क क्रीम पनीर सब ऐसा ही है। ये पैकेट है, ये नकली बताया जा रहा है, नकली है जो बताया जा रहा है, ये नकली है। बाकी अभी फूड इंस्पेक्टर है साथ में, ये सब सैंपल भर के इनको टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं। कीड़े कीड़े पड़े हुए हैं इसमें, घी में कीड़े हैं, पुराना पुराना पानी कपड़ा पड़ा है, ये क्रीम है, ये देखिए सड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये बता रहे हैं सब बिक जाता है, ये सब बिक जाता है इसका। इसमें फंगस लगा हुआ है, बता रहे सब बिक जाता है ये इनका, इतना पुराना माल जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, फंगस लगा हुआ है, वो भी बिक जाता है। कौन है फूड इंस्पेक्टर? कौन है? कल का बना हुआ है, इसे पानी में पड़ा है, गंदगी में चल जाता है, कौन बोलता है इसको? दरवाजा बंद कर दो, अभी झूठ बोला दरवाजे में तो लाया वो, बस पनीर पनीर आ गए, हम तो ये देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी वो है, बुरा हाल तो यहाँ पे है ना, ना लागी। मैंने पूछा कि ताला बंद है तो खोलो आप। ये क्या है मैम, ये इसमें क्या है? ये पता नहीं, कुछ ये पाउडर ऐसे बनाते होंगे घी भी, देखो थोड़ा खोल के, कब से कर रहे हैं ये काम? ये बता ला ला बता दे मैडम, इसके लिए हो गया करीबन ज्यादा 6-7 महीने से कर रहे हो बस? हाँ। कानपुर से मोहम्मदपुर खोली के लिए गांव के है, ये है, इसमें कीड़े हो रखे हैं, ये काला काला पूरा घी है ये। हाँ जब तक मैं भर रहा हूँ, ये तो खराब है, जो सड़ा पड़ा है ये भी दोगे किसी को? तो ये देखिए क्या है, क्या है ये क्या है? ये जो घी बना है ना, उसके बाद जो पानी रह जाएगा उसका पड़ा होगा। ये कैसा कैसा घी बनाते हो? जैसे मुझसे पूछ रहे हैं वो तो बता रहा हूं। ये देखो ये भी मैडम, ये पूरा फंगस लगा हुआ है इसमें, इसमें यहाँ कीड़े हो रखे हैं, उसकी भी पूछोगे, ये पूरा कीड़े हैं। ये क्या बता रही है, क्या पकड़ा है मैम आपने, क्या है ये? देखिए हमें सूचना थी इसमें कि कहीं पे कोई मिलावटी जो है पनीर बनाया जा रहा है, बट आज जब यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर के साथ हमारी पुलिस टीम मौके पे आई है, तो पनीर के साथ साथ यहाँ पे बहुत पुराना घी रखा हुआ है, और वहाँ पर जो है पैकेट मिले हमें जिसको रिफाइंड में मिलाकर पनीर बनाया जा रहा है, मतलब इसमें कोई दूध का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो सब मिश्रित है वहाँ पे, स्प्रे क्या लिखा है, स्प्रे ड्राइड पैकेट है कोई SMP। ये मोहम्मदपुर गाँव है थाना चतारी में, इसमें जो बताया जा रहा है कि दानवीर पुत्र रामस्वरूप और इनके बेटे हैं गौरव पुत्र दानवीर, ये दोनों मिलकर यहाँ दूध का कारोबार कर रहे थे। अभी मौके पर जब इनसे पूछा गया कि इनके पास लाइसेंस है, तो इनके पास लाइसेंस भी नहीं मिला है जिससे ये कारोबार कर सके, पर अभी भारी मात्रा में पुलिस टीम और फूड इंस्पेक्टर जब मौके पर आए हैं तो भारी मात्रा में यहाँ पर दूध का पनीर जो है और घी और क्रीम वगैरह मिली है, जो आज की डेट में जिसमें फंगस लगा हुआ है, नकली लग रही है, और इसमें जो है बताया जा रहा है कि ये मिलावटी जो पाउडर होता है उसको रिफाइंड में मिलाकर बना रहे हैं। तो अभी प्रथम दृष्टिया जो फूड इंस्पेक्टर ने भी बताया कि प्रथम दृष्टिया ये नकली लग रहे हैं, बाकी इनको सैंपलिंग करके टेस्टिंग के लिए भेजा जा रहा है। जो भी कितनी मात्रा में यहाँ घी बरामद किया गया और ये जो पनीर है ये कितना है? देखिए टोटल मिलाकर जो लग रहा है कि 6-7 क्विंटल मात्रा होगी, जो बहुत ही भारी मात्रा है यहाँ पर, और इसमें बड़ी चीज़ ये है कि जो पनीर है वो भी नकली लग रहा है प्रथम दृष्टिया, जो क्रीम है उसमें पूरा फंगस लगा हुआ है, कीड़े पड़े हुए हैं, घी है वो भी बड़ी बड़ी इसमें
जो टब हैं बड़े बड़े जो नीले वाले टब हैं इनमें भरे हुए हैं, जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, फंगस लगा हुआ है। तो ये आज की डेट में कहीं से भी खाने योग्य या उपयोग करने योग्य बिल्कुल नहीं है। और ये मिश्रित जो हमें सूचना मिली है वो है, तो टेस्टिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। प्रथम दृष्टि इस पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? इसमें दो लोगों के नाम अभी हमें प्रकाश में आए हैं, उन लोगों के खिलाफ ही मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बाकी जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो टेस्टिंग के बाद की जाएगी। यूरिया भी मिला है? यहाँ पे यूरिया भी मिला है, उसके लिए भी अभी जाँच जारी है।